आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ओके, क्लास 12 चैप्टर 4। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या है? जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हमको मालूम है कि वो क्या करता है, एटम में से कोई एटम ले, एटम के न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके साथ क्या करता है, मोशन करता है, क्या करता है मोशन। तो जब वो रोटेशनल क्या इलेक्ट्रॉन क्या रोटेशनल मोशन करता है न्यूक्लियस के अराउंड, क्या करता है रोटेशन जो करता है उसके बारे में हम बात करने वाले, किसके बारे में, जब वो रोटेशन करता है तब क्या मोमेंटम होता है, वो उसके बारे में लेक्चर में बात करने वाले। ओके, तो हम क्या ले, कोई एटम ले रहे, क्या ले रहे, एटम, इसके एटम या तो मॉलिक्यूल, कोई भी क्या ले, मॉलिक्यूल ले। तो उस मॉलिक्यूल्स के अराउंड उस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। हम यहाँ पे किसका मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, हम यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्या बोला, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ चार्ज
passing through cross section area kya uska inner time t upon time t isko ye charge hai देखो यहाँ पे चार मिस्टेक हो रहा है इस यहाँ पे मैं क्रॉस सेक्शन एरिया ले लूँ तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में इसके तीन टाइम में जो पास चार क्या हो रहा है इसे पास हो रहा है यार भाई इस चार इसके यहाँ से इसके तीन टाइम में यहाँ पे जो चार हो रहा है इसके कितने क्रॉस सेक्शन एरिया में तो उसको क्या बोलते हैं करंट बोलते हैं क्या बोलते हैं करंट तो क्या हुआ करंट का फर्क क्या हुआ ये हमारा करंट का इक्वेशन हुआ इस तरह बोल सकते अब देखो यहाँ पे जो चार लोग हैं ओनली इलेक्ट्रॉन ही क्या यहाँ पे जो चार देखो कौन है वो है क्या इलेक्ट्रॉन ही है क्या इलेक्ट्रॉन ओके यहाँ पे चार लोग से खाली एक इलेक्ट्रॉन ही है देखो ए इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से वापिस आएगा उसके यहाँ से निकलेगा और फिर यहाँ पे वापिस आएगा कितना टाइम लगेगा टाइम पीरियड टी लगेगा उसके इसको रोटेशन करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है उसके यहाँ पे होने ओनली वन इलेक्ट्रॉन है जितना टाइम यहाँ से निकलेगा उतना टाइम यहाँ पे पहुंचने के लिए लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या है ओनली टी इलेक्ट्रॉन है क्या है इसके सॉरी क्या है सॉरी टी इसके टाइम पीरियड टी से ही चल रहा है ओके अब टाइम पीरियड टी है तो टाइम पीरियड टी को हमें क्या करना है फाइंड करना है तो टाइम पीरियड टी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टी इक्वल क्या होता है डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन क्या होता है स्पीड अब देखो डिस्टेंस हम ले हमारा डिस्टेंस यहाँ पे देखो डिस्टेंस इसकी से क्या आएगा इसके का सर्कमफेरेंस आएगा 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर अपॉन क्या आएगा 2 पाई आर अपॉन स्पीड क्या आएगी स्पीड हम ले रहे इसकी वेलोसिटी क्या है वी वेलोसिटी है बिल्कुल के लिए वेलोसिटी क्या है वी इसको क्या लिख सकते हैं इस तरह टी लिख सकते हैं यहां पे आई या इसके टी के इसके टी की जगह क्या लिख सकते हैं आई टी टी जाएगा हमारा 2 पाई आर और क्या आएगा वी आएगा तो हमारे क्या इलेक्ट्रॉन का फॉर्म इसके ये हमारा करंट का फॉर्मूला क्या वी क्या है अब इसके वी क्या है तो वी है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वी है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन टी है टाइम पीरियड इसके ऐसे इलेक्ट्रॉन का क्या टाइम पीरियड टी है तो सर्कल का क्या डिस्प्लेसमेंट है अब देखो इस सर्कल का जो एरिया है क्या एरिया 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 क्या आएगा पाई आर स्क्वायर आएगा क्या है पाई आर स्क्वायर इस सर्कल का मैं एरिया ले क्या ले हम एरिया ले तो एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर आएगा ओके अब तो यहाँ पे क्या करना मुझे एरिया चाहिए क्या चाहिए मुझे एरिया चाहिए मीन्स यहाँ इस जगह पे मुझे क्या चाहिए एरिया चाहिए तो एरिया मुझे तो मैं किस तरह इसमें सिंपल है कि मुझे क्या चाहिए सॉरी एरिया चाहिए तो मुझे क्या चाहिए पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा अब देखो मुझे क्या करना है कि मुझे इसका मैग्नेटिक मोमेंटम चाहिए मैग्नेटिक मोमेंटम इसके मैग्नेटिक मोमेंटम मुझे चाहिए तो क्या करना है इसका फॉर्मूला क्या होता है एम इज इक्वल टू आर इंटू ए करंट कितना है हमारा ईवी 2 पाई आर ए हमारा क्या है पाई आर स्क्वायर है पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका आंसर होता है तो क्या आएगा ईवी अपॉन क्या आएगा ईवी आर अपॉन क्या आएगा टू आएगा तो क्या हमारा एम आएगा तो क्या हमारा मैग्नेटिक मोमेंट अगर लगे हमारी एंटी वैल्यू का ईवी अपॉन टू आर अब देखो यहाँ पे हम देखें तो करंट की जो डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन से कैसे होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट की जो यहाँ पे डायरेक्शन है जो हमारी करंट की डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में हम इसकी एंटी क्लॉकवाइज चला रहा हूँ मोशन कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में तो करंट में से करंट क्या होगा तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी ओके करंट की डायरेक्शन कैसे होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओके तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरी फिंगर मिस कर रखू तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में इनवर्ड है कैसा है मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में इनवर्ड डायरेक्शन में इसमें इनवर्ड क्यों मेरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन
ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट होता है, उस करंट को मैंने क्या करा, उस करंट की डायरेक्शन में थंब रन था और मैंने फिंगर कल की, तो मेरे फिंगर का किस डायरेक्शन जा रहे, इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे, जो इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे तो मेरा इसके मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इनवर्ड होगा। अब देखो एंगुलर मोमेंट के मोमेंटम के साथ क्या किया, कंपेयर किया है, इसे जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए, पर यहाँ पे क्या किया है कि इसको एक्चुअल में किसके साथ कनेक्ट किया है, एंगुलर मोमेंटम के साथ कनेक्ट किया, किसका, एंगुलर मोमेंट के साथ। तो देखो एंगुलर मोमेंट के साथ क्या किया, इसे मोमेंटम के साथ क्या किया, इसको एंगुलर मोमेंटम आएगा, उसके साथ कंपेयर किया, तो एंगुलर मोमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या हमारा इक्वेशन आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो ये क्या कुछ नहीं करना है, हमारा जो डायपोल मोमेंट का है उसको हमारे कुछ नहीं, डायपोल मोमेंट को एंगुलर मोमेंट के साथ क्या किया, एंगुलर मोमेंट के साथ क्या किया, कंपेयर किया। ओके, अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल वेक्टर एल इंटू रेडियस इंटू क्या मोमेंटम, क्या होता है रेडियस इंटू मोमेंटम। हम देखो ये जो हमारा सर्कल था इसका रेडियस कितना था, आर था, कितना था आर। ओके, तो हमारा इसका सर्कल क्या हुआ, रेडियस हुआ, और मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल एम इंटू वी, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी क्या है हमारा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो और ए एम और पी मीन्स आर मीन्स इन दोनों के बीच में इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, क्या लिख सकता हूं, आर पी साइन थीटा। अब देखो जो हमारा मोमेंटम होगा वो किसकी डायरेक्शन में होगा, जो स्पीड की डायरेक्शन होगा, जिसका हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से वोल्टेज होकर यहां से टेंजेंट ग्रो करूं इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा स्पीड होगी, सॉरी हमारी क्या होगी वेलोसिटी या स्पीड। ओके, तो हम इसके एम बी इसलिए हम यहां पर वेलोसिटी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या होता है मोमेंटम होता है। ओके, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या होगा मोमेंटम बी और बी, और देखो आर है आर उसको यहां पर एक्सटेंड करूंगा जिससे आर हमारा यहां पर आएगा, तो आर और बी के बीच का एंगल है कितना है 90 है। ओके, तो जिससे साइन हमारा कितना होगा थीटा हमारा कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल क्या होगा थीटा 90 होगा, तो क्या होगा आर पी साइन 90 क्या आ जाएगा आर पी की जब आएगा तो एम वी क्या टू एम वी इंटू वन, तो क्या आएगा हमारा आर एम वी, तो हमारा क्या हुआ एंगुलर मोमेंटम हुआ, क्या हुआ एंगुलर मोमेंटम। देखो इस एंगुलर मोमेंटम है इसको मुझे किसके साथ कंपेयर करना है, इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ। ओके, अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट के साथ, अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्या, एंगुलर मोमेंट और हमारा इसके मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों को मिलते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं एंगुलर मोमेंट के लिए डायरेक्शन निकाल दिया, हम कहते हैं एंगुलर मोमेंट के लिए निकाल दे डायरेक्शन निकाल दे, तो क्या करना है हमको आर से पी तक क्या करना है उसको कॉल करना है, क्या करना है आर से पी कैसे आर से पी कॉल करना है, आर से पी तो मेरा जो मेरा थंब आ रहा है डायरेक्शन में आ रहा है आउटपुट डायरेक्शन में आ रहा है, इन डायरेक्शन में आउटपुट डायरेक्शन में, तो मैं ऐसे कर सकता हूं मेरा थंब इसमें रखता हूं आर पे रखता हूं आर की डायरेक्शन रखेंगे यहां पे मैं फिंगर कॉल करूंगा, तो मुझे मेरे फिंगर कॉल करते देखे तो मेरा जो मिस्टर मेरे फिंगर वाले के लिए आउटपुट आ रही है, और यहां पे हम तीसरी तरह से भी यूज कर सकते हैं, यहां से आर से पी तक क्या कर सकते हैं स्क्रू रूल का यूज कर सकते हैं, आर से पी तक हम टू स्क्रू रोटेट करेंगे तो क्या आएगा वो आउटपुट आएगा, मुझे क्या मिलेंगे तीसरी डायरेक्शन आउटपुट। अब देखो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि मोड एम और मोड एल का मीन्स के मोड एम इसका भी डायरेक्शन को रहने देते हैं, मोड एम
व्हाट एल का क्या करते हैं, इसका एम बाई एल का मिस्टर लेते हैं, रेशियो लेते हैं। तो एम क्या है हमारा, तो एम हमारा मिस्टर यहाँ पे पीवी आर अपॉन टू, और हमारा एल क्या है आर एम वी। अब इधर बोलो आर आर कैंसिल हो जाएगा, वी वी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपका क्या आएगा हमारा E अपॉन टू एम आएगा, ये अपॉन क्या आएगा टू एम। तो हमारा क्या होगा, इन दोनों का बीच क्या, इसका जो इसका मीन्स क्या एंगुलर मोमेंटम अपॉन एंगुलर सॉरी मैग्नेटिक मोमेंटम अपॉन क्या आएगा एंगुलर मोमेंटम का क्या आएगा रेशियो आएगा। अब देखो यहाँ पे एक कैसा एक इनवर्ड है, दूसरा कैसे आउटवर्ड है, कैसा एक इनवर्ड है एक कैसा आउटवर्ड है। तो मैं क्या करूँ मोड हटा लेते हैं, मोड निकल निकाल देता है क्या माइनस ई अपॉन टू एम क्यू, क्योंकि एक कैसा इनवर्ड है दूसरा कैसा आउटवर्ड है, कैसा इनवर्ड है और आउटवर्ड है, तो इससे निकल कर माइनस ई अपॉन टू एम। ओके अब देखो अब यहाँ पे क्या बोला है कि बोहर्स का लॉ, मींस के बोहर्स क्या बोलता है, मींस के बोहर्स मॉडल क्या बोलता है। तो बोहर्स मॉडल क्या बोलता है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एच अपॉन टू पाई। ओके तो मींस क्या बोल रहा है, मींस के हमारा बोहर्स मॉडल है क्या बोलते हैं एंगुलर, क्या बोलते हैं एंगुलर, क्या बोला है एंगुलर मोमेंटम ऑफ कर्व ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्या बोला है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीजर, क्या बोला एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीजर 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 मल्टीप्लिकेशन ऑफ एच अपॉन टू पाई। ओके तो यहाँ पे जो हमारा एच है वो कैसा कौन है प्लांक कॉन्स्टेंट, क्या कौन है प्लांक कॉन्स्टेंट। ओके एच हमारा क्या है प्लांक कॉन्स्टेंट। ओके अब देखो एच के मीन्स हम क्या करें, एच की हम वैल्यू ले, मीन्स एच की वैल्यू क्या होता है 6.63, जिसके हम इसे लिख सकते हैं 6.6 × 10⁻³⁴ क्या जूल पर सेकंड, क्या जूल सेकंड है कितनी आएगी जूल सेकंड, इसके हमारे क्या हो प्लांक कॉन्स्टेंट हो, प्लांक कॉन्स्टेंट क्या हुई इतनी हुई। ओके तो क्या हुआ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एच इनटू एच अपॉन टू पाई, इसके इंटीजर मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ कि जब यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा एल एन इलेक्ट्रॉन, क्या होगा इसके हमारे जो इसके तुम्हारा एल का फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा हमारा इसके एन टू पाया, एन क्या है एन हमारा क्या है 1 2 3 4 5। ओके मींस के किस सेल में इलेक्ट्रॉन है, मींस के क्या मींस के नंबर ऑफ क्या है, मींस के किस सेल में मींस के क्या है किस क्या है इस सेल में इलेक्ट्रॉन है, उससे मींस के यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है तो मींस के नंबर 2 लगा देना, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या लगा देना 1 लगा देना। अब देखो मैं इसको यहां पे एम सेल मींस एम को सब्जेक्ट बना दूं, क्या बना दूं एम को क्या बना दूं सब्जेक्ट बना दूं। ओके एम को सब्जेक्ट बना दूंगा तो मुझे क्या आएगा मेरा माइनस ई अपॉन टू पाई एल आएगा। अब देखो इस एल को मैं यहां से लिख दूं तो क्या आएगा मेरा ई टू पाई अपॉन क्या आएगा एन एच अपॉन क्या आएगा हमारा टू एम। ओके तो ये हमारा क्या होगा फॉर्मूला होगा किसका होगा एम का मैग्नेटिक मोमेंटम से क्या हुआ ये हमारा फॉर्मूला हुआ। ओके अब यहां से
से हम देखेंगे कि इसके एम को हम इसी का के मोड में लिख देते हैं, इसको मोड में लिख देते हैं, हमारा ई की इसी साइन क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब देखो ए जो हमारा है इसके हमारे इलेक्ट्रॉन की क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन की इसके हम सेल तो इसे सेल में लिखे इसके इलेक्ट्रॉन को इसके हम हाइड्रोजन लाइक इसके इलेक्ट्रॉन होंगे तब ये क्या होगा वैलिड होगा, क्या होगा हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रॉन इसके क्या होगा एक वन होगा तब ये क्या होगा वैलिड होगा। अब देखो एन इक्वल क्या है यहाँ पे हम सेल लेंगे एलएच सेल इसके यहाँ पे इसके एलएम इसके इलेक्ट्रॉन क्या इसके इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ पे पता चलता है कौन सी सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है इसके यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ के एम एल लिख सकता हूँ क्या इसकी सेल के क्या नाम दे सकता हूँ इसको नाम से मैं दिखा सकता हूँ के एल एम एल। ओके अब मुझे एल सेल में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन है होल सेल में ठीक है एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सॉरी एल सेल का मुझे मैग्नेटिक मोमेंटम चाहिएगा जो एल सेल का मुझे मैग्नेटिक मोमेंटम चाहिए इस तरह से लिख सकता हूं मोर ई। ओके एन एल एन की जगह क्या लिख दू एल लिख दू अपन टू क्या आएगा टू पाई अपन टू एम क्या आएगा फोर पाई एम आएगा। ओके इस तरह मैं इसमें क्या लिख सकता हूं। ओके अब यहाँ पे जो फेमस है इसके फेमस क्या है जब इसके फेमस क्या जो हमने एम मिनिमम क्या है एम मिनिमम इसके हमारे मैग्नेटिक मोमेंट मिनिमम कब होता है जब एन इज इक्वल क्या होता है एन इज इक्वल क्या हो जाएगा वन होगा क्या होगा एन इज इक्वल टू वन तो एन एन है उसकी जगह क्या रखना है वन की जरूरत नहीं क्या रखनी एन है उसकी जगह क्या रखना है वन की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एन है वहां पे वन की जरूरत तो क्या बचेगा ई अपॉन फोर पाई एम ई माइनस ई अपॉन क्या होगा फोर पाई एम। अब देखो इस वैल्यू में हम देखें तो इसे जो हमारा एम है वो क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या हमारा जो एम है वो क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एच है हमारा क्या प्लैंक कांस्टेंट है एच है हमारा क्या हो प्लैंक कांस्टेंट है और जो पाई की वैल्यू है हमारे पास और ई की वैल्यू है तो हमारा जो आंसर आएगा 9.27 में से क्या आएगा 9.27 माइनस 10 में से यहां पे सभी की वैल्यू रखोगे तो हमको क्या मिलेगा एम मिलेगा क्या मिलेगा एम मिनिमम मिलेगा क्या मिलेगा एम मिनिमम क्या आएगा 9.27 क्या आएगा 9.27 10 माइनस 24 जो हमारा आंसर आएगा इसमें यहाँ पे ई की वैल्यू हमारे पास है 1.6 × 10⁻¹⁹ एच की वैल्यू है 6.6 × 10⁻³⁴ फोर की वैल्यू है 5 की वैल्यू है 3.14 और यहाँ पे हमारा क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके तो यहाँ पे सभी वैल्यू क्या कर सकते हैं पुट करके 9.27 × 10⁻⁴ की आंसर आएगा क्या होगा हमारा एम मिनिमम होगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मिनिमम उसको मिनिमम भी दे सकते हैं और इसमें भी क्या एम्पीयर करंट एम्पीयर इनटू मीटर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। थैंक यू।